यह पूरी एक किलो की दुनिया की सबसे बड़ी सम्राट टिक्की। पहले हमारा दो तोला जा रहा है यहाँ पे पूरा एक किलो, और भाजी देखो कितने सफाई के साथ यहाँ पे इसको फैलाने में पे लगे हुए हैं। तो भाजी कितनी बड़ी हो जाती है लगभग ये? काफी बड़ी हो जाएगी। तो हमारी टिक्की यहाँ पे चली गई है फ्राई होने के लिए। और भाई एक बार साइज देखो, ये नॉर्मल टिक्की का साइज है और ये हमारी सम्राट टिक्की का साइज है। और भाई ये जो आप साइज देख रहे हैं ना, अभी ये छोटा साइज है, थोड़ा सा पक जाएगा, हाफ फ्राई हो जाएगा, फिर इसको और बड़ा किया जाएगा। अब यहाँ पे इसको निकाल लें और अब देखना अब आएगा इसका असली वाला साइज। भाई देखो अब इसको पूरा चपटा किया जाएगा। और भाई देखो कितनी जान लगा के पूरे शरीर का जोड़ लगाया जा रहा है यहाँ पे। और भाई देखते रहो, क्या इतनी बड़ी टिक्की आपने पूरी जिंदगी में देखी है भाई? कमेंट करके जरूर बताना। पूरा पूरा पलटा है भाई साहब, ये देखो पूरे तेल के अंदर अकेले टिक्की चली आ रही है। अभी भी असली साइज नहीं है इसका, असली साइज अभी थोड़ी देर बाद आएगा। और भाई साहब ये पलटा देख लो। और भाई अपने आप में बड़ा ही मेहनत का और जोखिम भरा काम है भाई साहब, तेल के छींटे आने का पूरा डर रहता है इसमें। और भाई ये देख रहे हो भाई साहब तेल किस तरह से बहक रहा पूरा यहाँ पे। और भाई देखो नीचे तक तेल जा चुका है और भाई बड़ी ही शिद्दत के साथ पलटा गया है इसमें। भाई क्या ही बताऊँ, देख के खुद ही डर लग रहा है मेरे को कि भाई कैसे पलट रहे हैं बाबूजी यहाँ पे। अब इसको फैला फैला के और फैलाया जा रहा ताकि और बड़ी हो जाए। और बाबूजी ने पूरा जोर दम लगा रखा अपना, जितनी बड़ी हो सकती है उतनी बड़ी टिक्की बनाते हैं इसको यहाँ पे। भाई टिक्की नहीं है, बवाल है, सम्राट टिक्की नाम रखा बाबूजी ने इसका यहाँ पे। और भाई पूरी एक किलो की टिक्की होने वाली है। भाई आपने इतनी बड़ी टिक्की बनती देखी ना अपनी जिंदगी में? कमेंट करके जरूर बताना बाबूजी। अभी लास्ट फ्राई है, लास्ट फ्राई है, मतलब इससे बड़े साइज नहीं होगा। और भाई आप साइज चेक कर लो कितना बड़ा साइज है, नॉर्मल टिक्की और सम्राट टिक्की। चांदी की थाली तैयार कर दी हमारी, चांदी की थाल में देंगे सोने की टिक्की, सम्राट टिक्की। टिक्की को सजाया जाएगा यहाँ पे। भाई साहब, ओ भाई साहब, अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था भौजी के लिए, भौजी ने भी कर दिखाया। ये आपके मसाले आ गए, ये आपका नमक आ गया, तो ये आपकी मीठी चटनी आ गई भाई साहब, ये आ गई हमारी लाल सोट, ये धनिया पुदीने वाली चटनी आ गई। वाह जी वाह, ये देखो भाई साहब ये आ गई हमारी गाड़ी गाड़ी दही आ गई है, ये बूंदी आ गई, ये बूंदी आ गई, ये आ गया अनारदाना। वाह जी वाह भाई साहब, एक बार अनार चेक कर लो। ये मटर आ गए, ये आ गए भाई साहब मटर हमारे, हो गए भाई तैयार है इस टाइम अभी रेडी। और भाई साहब देखो हमारी टिक्की हो चुकी है यहाँ पे तैयार। तो भाई साहब क्या चैलेंज चला रखा है इसके ऊपर? ये भी हमारी एक किलो की टिक्की का चैलेंज है। अच्छा, अगर आप ये 3 मिनट में फिनिश कर लेते हैं। अच्छा, तो आपको 5100 रुपए का इनाम मिलेगा। भाई साहब पूरा 5100 का इनाम है 3 मिनट में सिर्फ एक टिक्की खाने में। हमारे बस की तो टिक्की खानी है नहीं, तो भाई हम तो ये चैलेंज लेने नहीं वाले हम, और ना ही हमारे पे खाई जाएगी। हम इसके छोटे छोटे पीसेस करवा के सब भाइयों में, हमारे जितने भाई आसपास है सबके यहाँ बैठ के एंजॉय करके खाएंगे। तो भाई लो सब भाइयों को बांटना शुरू करते हैं, जो यहाँ पे भाई सबको खिलाते हैं आज उन्हीं को खिलाएंगे। लो भाई खाओ और खुद ही टेस्ट करके बताना कैसी होने वाली है। लो भाई टिक्की खाओ, टेस्ट करके बताना हमारे को कैसी है। ठीक है, मस्त हो के खाओ यहाँ पे। लो भाई साहब टिक्की खाओ, लो चाचा, अरे खाओ टिक्की खाओ, अरे खाओ चाचा, कैसे शर्मा रहे हो। लो भाई उस्ताद जी आपने बनाई टिक्की, खुद ही टेस्ट करके बताना टेस्ट कैसा है इसका। ठीक है, अभी एक पीस बचा लास्ट में, ये हम टेस्ट कर लेते हैं आखिर भाई इतनी बड़ी टिक्की है। और भाई साहब, और मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, जैसे आप चैलेंज लेते हैं और ये टिक्की नहीं खा पाते हैं तो भाई 299 रुपये आपको पेनल्टी लगी, 299 जो इसका चार्ज है आपको देना पड़ेगा। भाई ने जितनी चीज़ें डाली हैं सबका अपना अपना फ्लेवर आ रहा है। और भाई 299 एक किलो की इतनी बड़ी टिक्की पूरी पैसा वसूल होने वाली है। भाजी कैसी लगी? यही कारीगर साहब है जिन्होंने टिक्की नहीं है, बढ़िया भाजी टिक्की, मतलब आपको खुद को मज़ा आ रहा ना। और जो इनकी लोकेशन बढ़ती है, भाई लोकेशन बता दूँ आपको, घंटागढ़ से जब आप आते हैं तो सेठी बहुत ही फेमस है, उसके जस्ट अपोजिट पे आपको दिख जाएगा गोलगप्पा किंग। और भाई यहाँ की जो टाइमिंग होती है 11 से 1 बजे तक भैया, मतलब 1 से 11 बजे तक, पहले 1 बजे से रात के 11 बजे तक। अगर आपको वीडियो मज़ा आ गया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।